Assalamu alaikum and good evening students. I hope you are doing well at home, stay safe. Okay beta, so let's start with our next chapter, and that is a poem, and the name of this poem is more about people. Hum poem ke sirf central idea karenge, hum uski koi all working nahi karenge, question answers wagera nahi karenge, just central idea and other some of the other activities. So let me read it fast for you. When people aren't asking questions, they are making suggestions. And when they are not doing one of those, they are either looking over your shoulder or stepping on your toes. And then, as if they weren't enough to annoy you, they employ you. Anybody at leisure incurs everybody's displeasure. It seems to be very irking to people at work to see other people not working. So they tell you that work is wonderful medicine. Just look at Firestone and Ford and Edison, and they lecture you till they are out of breath or something. And then if you don't succumb, they starve you to death or something. All of which results in a nasty quirk that if you don't want to work, you have to work to earn money so that you won't have to work. Okay, beta. So इस पोयम में ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है, शायद आप लोगों का भी वास्ता कुछ ऐसे लोगों से पड़ा हो जो मुस्तकिल आपसे सवालात करते रहते हैं. अगर आप किसी को फारिग बैठे हुए नज़र आ गए कि आप फ्री बैठे हुए हैं और आप कोई काम नहीं कर रहे, तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता, वो आपसे सवालात पूछना शुरू कर देते हैं या काम के हवाले से आपको मशवरे देना शुरू कर देते हैं कि ये कर लें वो कर लें. और अगर आप उनमें से कुछ भी नहीं करते तो वो आपके शोल्डर पे देखना शुरू कर देते हैं या आपके पैरों पे चढ़ जाते हैं, आपके टोज पे स्टेप कर लेते हैं. और अगर फिर भी आपको गुस्सा नहीं आता, आपको लगता है कि उनको लगता है कि आप गुस्से में नहीं आए, तो वो क्या करते हैं, आपको एम्प्लॉय करते हैं. एम्प्लॉय यानी आपको किसी न किसी काम में बिज़ी कर देते हैं. अगर आप किसी को फारिग बैठे हुए नज़र आए तो ये चीज़ सबको पसंद नहीं आती. वो चाहते हैं कि आप कुछ ना कुछ करें, वो क्यों काम कर रहे हैं और आप क्यों फ्री बैठे हुए, ये उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता. इट सीम्स टू बी वेरी इरकिंग, और ये जो चीज़ होती है ये बड़ी इरीटेटिंग होती है कि आप अगर खाली बैठे हुए हैं या आपके पास फ्री टाइम है तो किसी को क्यों नहीं पसंद आ रहा, और वो अगर आपको आकर सजेशन देता है या काम के बारे में कुछ कहता है तो आपको बुरा लगता है और ये बड़ा इरीटेटिंग होता है. तो कुछ लोग जनाब ऐसे होते हैं जो ख़ुद काम करते हैं और अगर देखते हैं कि दूसरा कोई काम नहीं कर रहा तो उनको बिल्कुल समझ में नहीं आता, बिल्कुल भी पसंद नहीं आता. और जब वो देखते हैं कि आपको उनका कोई भी मशवरा अच्छा नहीं लग रहा, तो वो आपको ये समझाना शुरू कर देते हैं कि काम करना तो एक मेडिसिन की तरह है, फारिग रहना तो बहुत ही बुरा है. तो आप अगर फिट रहना चाहते हैं, आप खुश रहना चाहते हैं, तो फिर आप काम करें. और फिर वो आपको एग्जांपल्स देते हैं फायरस्टोन और फोर्ड जैसी कंपनीज की और एडिसन की. फोर्ड और फायरस्टोन बहुत बड़ी कंपनीज है, और एडिसन को तो आप जानते ही हैं जो साइंटिस्ट थे, थॉमस एडिसन. और फिर इसके बाद वो आपको लेक्चर देते हैं और उस वक्त तक देते रहते हैं जब तक कि आपको ऐसा लगेगा कि आप मर जाएं, उनके मशवरे सुन सुन के आप थक जाते हैं और आप गिव अप कर जाते हैं. आप कहते हैं ओके ओके ठीक है, हम अपने आप को काम में बिज़ी कर लेते हैं, मगर खुदा के लिए आप हमारा पीछा छोड़ दें. और ये सारी चीज़ें जो है ये बहुत ही नेस्टी होती है, बहुत बुरी लगती है, बहुत ही गुस्सा आता है. और फिर इन सारी चीज़ों के बाद भी अगर उनको ऐसा लगता है कि आप फिर भी काम नहीं कर रहे, आप भी बड़े ही ढीठ हैं और किसी काम में इन्वॉल्व नहीं हो रहे, तो फिर वो एंड पर आपको कहते हैं कि देखो पैसा कमाना तो बहुत ज़रूरी होता है, अगर तुमने पैसा नहीं कमाया तो तुम बुढ़ापे में क्या करोगे, जब रिटायर हो जाओगे तब क्या करोगे, तो तुम ऐसा कर लो कि फ्री होने के बजाय कोई ना कोई काम कर लो ताकि तुम पैसे कमा सको. तो बेटा इस पोएम में हमारे जो पोएट हैं ऑगडन नैश, उन्होंने अपना गुस्सा अपना एंगर शो किया है इस पोएम के अंदर कि हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो किसी को खुश नहीं देख सकते या किसी को थोड़ा सा भी लेजर टाइम में नहीं देख सकते. अगर उन्हें ऐसा लगता है कि कोई फारिग है या फ्री टाइम को इन्जॉय कर रहा है तो वो बिला वजह के तरह तरह के मशवरे देते हैं और कोशिश करते हैं कि आप भी कुछ ना कुछ काम करें. अगर उनको फ्री टाइम नहीं मिल रहा तो आपको भी ना मिले. तो एक्चुअली पोएट ने अपना सारा गुस्सा
इस पोयम के थ्रू निकाला है, वेंट आउट किया है सारा एंगर अपना और बताया है कि वी हैव सम पीपल इन दिस सोसाइटी हु इरीटेट यू, हु सजेस्ट यू, और इतना ज़्यादा आपको सजेशन और एडवाइस करते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि इससे बेहतर है मर जाएं। सो दिस इज़ द पोयम अबाउट। आई होप कि आप लोगों को ये पोयम की मीनिंग्स और एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी। बेटा मैं आपको पोयम का सेंट्रल आइडिया फेसबुक पर भी शेयर करूँगी ताकि आपको पूरा पिक्चर सही तरीके से क्लियर नज़र आए, बिकॉज समवन वॉज कंप्लेनिंग के वीडियो लेक्चर पे सही से जो हमारा टेक्स्ट वर्क है, जो रिटन वर्क है, वो समझ में नहीं आ रहा। सो मैं इसको वीडियो पर भी पोस्ट करूँगी और साथ ही साथ आपको फेसबुक पर भी पोस्ट करूँगी। तो आपने इस पोयम को अच्छी तरह से समझना है और सबसे पहले आपका जो असाइनमेंट है, इस पोयम का जो होमवर्क है, वो ये है बेटा कि मैं आपको कुछ वर्ड्स इसमें से पॉइंट आउट कर रही हूँ जो आपने मीनिंग्स उसके फाइंड आउट करने हैं। तो बेटा फर्स्ट लाइन में कोई ऐसा वर्ड नहीं जो मैं आपको दे सकूँ। हम जो है वो थोड़ा सा और आगे चलेंगे एंड इन सेकंड स्टैंजा लाइन इज स्टार्टिंग फ्रॉम एंड देन इज इफ दैट वरंट इनफ टू अनॉय यू। तो अनॉय का वर्ड आप अंडरलाइन करें और इसके मीनिंग फाइंड आउट करें। नेक्स्ट लाइन पे एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की मीनिंग फाइंड आउट करें। उससे नेक्स्ट लाइन पे लेजर है, लेजर का वर्ड आप नोट करें और उसकी मीनिंग फाइंड आउट करें। एंड ऑन द नेक्स्ट पेज फर्स्ट लाइन पे वर्ड है इरकिंग, इरकिंग के मीनिंग फाइंड आउट करेंगे आप। और इसके बाद आपके पास एक और वर्ड है और ये है लाइन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सिक्स्थ लाइन पर आपके पास वर्ड है सकम, ठीक है। और सकम के बाद सेम लाइन पर आपके पास वर्ड है स्टार्व। एंड ऑन द नेक्स्ट लाइन, उसके नेक्स्ट लाइन पे वर्ड है क्विर्क, क्विर्क। इन सारे वर्ड्स के मीनिंग्स आपको फाइंड आउट करने, ये आपका पहला होमवर्क है। नेक्स्ट वीडियो में सेंट्रल आइडिया शेयर होगा और वही सेंट्रल आइडिया आपका फेसबुक पर भी पोस्ट किया जाएगा ताकि आपको क्लियर टेक्स्ट नज़र आ सके। ओके बेटा, अपनी कॉपीज़ पर आपको ये काम करना है और जैसे ही आप ये काम कर लेंगे, आप चाहें तो मुझसे इसका इमेज पोस्ट करके आप मुझे शेयर कर सकते हैं होमवर्क, या फिर स्कूल पे आके सबमिट करवा सकते हैं ताकि उसकी करेक्शन की जा सके। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।